नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जिम्मेदारों की लापरवाही से हुआ भीषण हादसा। जी हाँ, सड़क हादसा होना कोई बहुत आश्चर्यचकित बात नहीं है। जब आप सड़क पर चलते हैं तो जरा सी लापरवाही होने पर हादसे होते ही हैं। परंतु जब कोई हादसा जिम्मेदारों की लापरवाही से होता है तो मन में सवाल उठने लाजमी है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फुलौनक 12900 नामक स्थान में, जहां की सड़क पर डायवर्सन लगाया गया है, परंतु वह डायवर्जन स्पष्ट रूप से अंकित न होने के कारण एक होंडा सिटी कार का एक्सीडेंट हो गया। देखने वालों ने बताया कि यहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, जिसका प्रमुख कारण डायवर्जन का उचित ढंग से लगा न होना है। स्वैच्छिक दुनिया जिम्मेदार अधिकारियों से यह अपील करता है कि वे कृपया इस ओर ध्यान दें, और वाहन चालकों से अपील करता है कि वे सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं, ताकि होने वाली किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। स्वैच्छिक दुनिया के लिए राजीव मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा, स्वैच्छिक दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय खड़े हैं हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में। आप देख सकते हैं एक ले जाने की व्यवस्था हो रही है। गाड़ियों का एक्सीडेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप सड़क पर चलते हैं तो एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पे जो बैरिकेडिंग की गई है वो कायदे से नहीं की गई। जो मैं एक प्रमुख समस्या आपको दिखाना चाहता हूँ, वो मैं बोलूँगा अपने जो साथी हमारे पैनल में हैं कि आप देखिए, मैं आपको एक प्रमुख समस्या दिखाना चाहता हूँ। एक एनएचआई में ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो बिना बैरिकेडिंग के, खराब बैरिकेडिंग के कारण हुआ है। और हमारे साथ एक लोकल प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, मेरी पसंद किस चीज हो गई कि भारतीय जब सत्तारूढ़ दल हमारे सामने होता है तो शिकायत भी आपसे और सुझाव भी आपसे, समस्या का हल भी आप ही देंगे। तो सर, ये जो है अपनी केंद्र की योजना है, आपको नहीं लगता कि बैरिकेडिंग थोड़ी खराब बनी हुई है? ना, ये विधा वालों ने बैरिकेडिंग जो यहाँ के अधिकारी हैं लापरवाही किए हैं। इन्होंने सिग्नल नहीं दिया है यहाँ से ट्राई करके होना है। और यहाँ पता चला है कि अभी मैं कितना आया तो लोगों ने बताया कि दिन में दो तीन हो जाती है। पहले सिग्नल लगवाइए जिससे लोग और जिसका दुर्घटना हो उसको हमने दृष्टि का सुधार। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई हताहत नहीं हुआ। एक सवाल और पूछना चाहूँगा। ये मालूम पड़ा कि जो एम्बुलेंस आई है वो बिना डॉक्टर विहीन सुविधा के महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब उपचार कराएंगे और उपचार के लिए डॉक्टर ही नहीं होगा तो फिर उपचार किस बात का होगा? सर, यूपीटा के अधिकारियों से हमने कहा कि बिना डॉक्टर के एम्बुलेंस आई, बड़ी डांट फटकार के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई, उसमें डॉक्टर था उसको ट्रांसफर किया गया। लेकिन मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि यूपीटा के लोगों से हर एम्बुलेंस को ट्रांसफर किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, दो समस्या हमने जनप्रतिनिधि के सामने रखी है और हमारी कोशिश होगी, हमारे चैनल की कोशिश होगी, माननीय की कोशिश होगी कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। इस पर सरकार और जो जिम्मेदार है, चाहे वो चिकित्सा विभाग के लोग हो, चाहे सड़क विभाग के लोग हो, सभी इस पे ध्यान देंगे। स्वैच्छिक दुनिया से राजीव मिश्रा की खास। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।